नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी है कि हिंदुस्तान को एक देशभगत और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मिला है। पहले की सरकारें, पहली बात तो ये है कि सुरक्षा के मामले में बहुत ही ढीला रवैया रखती थी। कोई चीज़ जब खरीदती थी तो पहले उनकी नज़र होती थी कमीशन, कितना कमीशन उनको मिलेगा। उनका असली उद्देश्य अपनी जेब भरना था और यही होता रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने सबसे प्रमुख उद्देश्य रखा है भारत की स्वतंत्रता बनी रहे और उनके किसी भी प्रकार का करप्शन के मामले में कोई भी नरमी का रुख नहीं रहा है। और उन्होंने अब अपने ही देश में 75% जो सुरक्षा का सामान है वो अपने देश में ही बनाना शुरू कर दिया है और विदेशों से भी जो सामान वो खरीद रहे हैं एकदम से बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाला है। और सरकार से सरकार की सीधी डील है, किसी भी प्रकार के करप्शन का कोई चांस नहीं है। अब चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखते हुए भारत और अमेरिका ने 31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमेरिका ने स्थानीय MRO सुविधा सहित सैन्य अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टिक हथियारों से लैस ये उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन अगले 6 वर्षों में प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में ISR मिशनों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। इससे भारत की जो रक्षा है और बहुत सुदृढ़ रहेगी, क्योंकि हमेशा चाइना जैसे बिना किसी प्रिंसिपल वाले देश के साथ हमेशा भारत को खतरा बना रहता है। भारत और अमेरिका ने 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच वितरित किया जाएगा। इन सौदों में भारत के भीतर ड्रोन के लिए रख रखाव, मरम्मत, ओवरहॉल, MRO सुविधा की स्थापना भी शामिल है। रक्षा अधिकारियों ने कहा, दोनों पक्षों ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन उन्नत हंटर किलर ड्रोन की खरीद, जो लंबे समय तक उच्च ऊंचाई पर काम करने में सक्षम हैं, लंबी दूरी की रणनीतिक खुफिया निगरानी और टोही ISR मिशनों के संचालन में भारत की सैन्य अक्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। साथ ही उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ स्टिक हमले भी करेगी। यह अधिग्रहण हिंद महासागर क्षेत्र IOR में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां चीन तेजी से अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और टर्न अराउंड सुविधाएं स्थापित कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सरकार से सरकार सौदे की शर्तों के तहत जिसे 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से मंजूरी मिली 31 रिमोट पायलट विमान प्रणालियों के साथ साथ हेलफायर मिसाइलों GBU 3920 टीक निर्देशित ग्लाइड बम नेविगेशन सिस्टम सेंसर शूटर मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की डिलीवरी लगभग 4 साल में शुरू होगी और 6 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। भारत में IOR के लिए अरकोनम और पोरबंदर के भूमि सीमाओं के लिए सरसावा और गोरखपुर में स्थित ISR कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर MQ-9B ड्रोन तैनात करने का इरादा रखता है। प्रीडेटर या रीपर ड्रोन वर्तमान में नाटो देशों के एक चुनिंदा समूह और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सैन्य सहयोगियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि ड्रोन मुख्य रूप से निर्विवाद हवाई क्षेत्र में संचालित होते हैं बिना किसी शत्रुतापूर्ण वायु सेना या उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के विरोध का सामना किए। MQ-9B अनुबद्ध भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया गया दूसरा सबसे बड़ा सौदा होगा। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की लागत से 11C-17 ग्लो मास्टर 111 रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान शामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना ने 3.2 बिलियन डॉलर में अमेरिका से 12P-81 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान शामिल किए हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार। The United States State Department has given the green light for nearly $4 billion sale of advanced military drones to India. This isn't just any deal. It's about 31 armed MQ-9B Predator drones and Sky Guardians. The deal includes drones for the Navy, Air Force and Army, not to mention impacting other military buys from the United States. However, this deal didn't come without its hurdles. Announced during Prime Minister Modi's visit to the United States in June 2023, it hit a snag by December. A US Senate committee put everything on hold, needing time to investigate an alleged assassination plot on American soil linked to India. This follows allegations of India's involvement in the killing of a Canadian Sikh leader earlier this year. The Modi government had labeled both critics as terrorists. But here's the turn of events. Senator Ben Cardin lifted the hold after assurances of a thorough investigation into these serious allegations. Despite the controversy, strategic imperatives seem to dominate the US-India partnership, pushing the deal towards finalization. I'll say that generally the US-India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. We believe it offers significant potential to further advance strategic technology cooperation with India and military cooperation. It is good that both United States and India are coordinating with each other for defense deals. It is good because both the countries are militarily the strongest countries in the world, and if they are having this good relation, it is good not only for these two countries but also for the whole world. Peace can be established if stronger countries are friendly to each other and they are in the process of cooperation. So it is good. And these drones are required earnestly by the
Indian defense establishment, because India is having deadly enemies in the form of China and Pakistan. Thank you for watching this video. Namaskar, my dear friend. Thank you.